ऑब्वियसली बीटीएस मेंबर्स दुनिया भर के सेंसेशन बने हुए हैं एंड जितने भी मेंबर्स हैं ना उन सभी को आर्मीज बहुत ही ज़्यादा लव एंड सपोर्ट भी करते हैं। हैशटैग डिनर में बीटीएस मेंबर्स ने आर्मीज को यही बोला है कि प्रोजेक्ट जो है उनके अब वो टीम में भी होंगे एंड इंडिविजुअल भी होंगे, लाइक अब वो ना इंडिविजुअली भी काम करने वाले हैं, इंडिविजुअली सॉन्ग्स बनाने वाले हैं अपने फैंस के लिए एंड टीम में भी काम करने वाले हैं। ओके एंड यहाँ पे बीटीएस ने ये मैसेज भी दिए हैं कि उनको उम्मीद है, उनको आशा है कि जो उनके आर्मी है उनका सपोर्ट इंडिविजुअली भी उन्हें देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे बीटीएस ने पहले ही बता दिए थे कि जो बीटीएस मेंबर्स हैं ना उन सभी मेंबर्स को एक टैटू बनवाना है जो कि एक फ्रेंडशिप टैटू होगा एंड ये टैटू अपने 9 साल कंप्लीट होने की खुशी में बनवाने वाले हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि बीटीएस एक दोस्त से ज़्यादा एक फैमिली है, क्योंकि 9 साल जब हम किसी के साथ होते हैं तो दैट्स मैटर। ओके एक फैमिली ही है वो लोग एंड मेंबर्स अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे टैटू बनवाना चाहते हैं ताकि वो कभी भी जब उस टैटू को देखे तो उन्हें फील हो कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं आज भी एंड हमेशा। तो यहाँ पे जो किम नामजून है एंड जेहोप है उन लोगों ने अपने टैटू को बहुत पहले ही दिखा दिए थे अपने IG पोस्ट के माध्यम से। एंड आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कि ऐसे कौन कौन से मेम्बर्स हैं जिन्होंने अभी तक टैटू नहीं बनवाए हैं। एंड जैसा कि वी लाइफ पे लाइव आके तहयोंग ने बोले थे ना कि उन्हें अभी पता नहीं है कि उनको टैटू कहाँ बनवाना है एंड उन्होंने आर्मीज को ऑप्शन भी दिए थे कि आप मुझे बताओ कि मैं कौन से लोकेशन पे टैटू बनवा सकता हूँ। एंड यस मैंने उस वी लाइव को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए BTS हिंदी वाले चैनल पे, तो आपने अगर उस वी लाइव को नहीं देखा है तो आप BTS हिंदी वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। एंड गाइज 18 जून 2022 को जियोन जंगकुक ने अपने IG पे पोस्ट अपडेट किए, इवन वी कैन से कि उन्होंने अपने IG पे स्टोरी लगाए ओके एंड जिसके माध्यम से उन्होंने सभी फैंस को दिखा दिए कि उन्होंने जो फ्रेंडशिप टैटू है ना उसको बनवा लिए हैं एंड जियोन जंगकुक ने अपने ईयर्स के पीछे उस टैटू को बनवाए हैं। एंड इतना ही नहीं, जिन्होंने उस टैटू को बनाया है जो पर्सन था उस पर्सन को भी जंगकुक ने टैग किए हैं एंड उनके साथ उनके पिक्स भी हैं। एंड यहाँ पे तहयोंग ने जंगकुक के बाद अपने IG पे स्टोरी अपडेट किए जहाँ पे उनके हाथों में मोल्स हैं ना, उस मोल्स के बीच में उन्होंने 7 नंबर वाला टैटू बनवाया है जो कि 7 से ज़्यादा वी दिखाई दे रहा है ना। एंड जहाँ पे सभी फैंस इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गए थे कि वाओ जंगकुक एंड तहयोंग ने एक साथ ही टैटू बनवाए हैं, जैसा कि तहयोंग ने अपने वी लाइव पे बताए थे कि वो जंगकुक के साथ ही जाएंगे टैटू बनवाने के लिए। लेकिन गाइस उसके बाद मैंने कमेंट देखा एंड उसके बाद मैंने देखा अपने IG पे DM कि काफ़ी DM आया हुआ था जिसमें आप लोगों का कहना था कि दी जो वी ने टैटू बनवाया है ना वो एक फेक है, वो सच नहीं है, लाइक उन्होंने या तो पेन से बनाया है या उन्होंने मार्कर से बनाया है। देन मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको क्यों लगता है कि वो फेक है। देन उन्होंने बोला कि अगर वो टैटू बनवाते तो वहाँ पे एक अलग ही दिखाई देता है ना, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हल्का है, प्लस जब मैंने खुद देखा उस टैटू को अच्छे से तो ना मैं भी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो एक रियल टैटू है। मुझे भी लगता है कि वो शायद तहयोंग ने आर्मीज को टीज करने के लिए खुद से ही बनाए हैं मॉल्स के बीच में एक वी टाइप का। ओके एंड अगर कोई न्यू टैटू बनता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा उस वाले एरिया में हमें लाल सा दिखाई देता है, रेडनेस सा दिखाई देता है, वैसा हम नहीं देख सकते तहयोंग के टैटू को। प्लस एक एविडेंस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमने देखा है जंगकुक ने उस पर्सन को टैग किए हुए हैं जिन्होंने उनके टैटू को बनवाए हैं, लेकिन तहयोंग ने किसी भी पर्सन को टैग नहीं किए हुए हैं एंड ना ही उन्होंने उनके साथ कोई पिक क्लिक करवाए हुए हैं। तो इन सब के चलते मुझे लगता है कि तहयोंग ने अभी फ्रेंडशिप वाले टैटू को नहीं बनवाए हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो एंड हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है तहयोंग ने बनवा लिए हूँ, लेकिन मुझे भी अब नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो वी ने खुद से ही बनाए हैं। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।